देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए, जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हरेक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बात कार्यवाही करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना चाहिए। देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए, जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हरेक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बात कार्यवाही करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना चाहिए।